बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की खास रहमत और आप लोगों की दुआओं से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। धूप बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, पहले एक डेढ़ हफ्ता मौसम जो है वो बहुत अच्छा था, सही बादल बादल हुए हुए थे और जो है सूरज नहीं निकल रहा था, अच्छा मौसम था। लेकिन अभी कल भी गर्मी थी, कल तो कम थी, आज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूरज बिल्कुल सर पे आज जो है वो बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। अभी जी घर वालों की फरमाइश है दही बल्ले बनेंगे घर पे, अभी दही लेने जा रहा हूँ। आज खाएंगे हम दही बल्ले, वो भी घर पे बनाए गए, तो उसके लिए दही ज़रूरी है। अभी लेके आते हैं पहले दही। कितना लाने दही यार? आधा किलो दही लाना। चल यार आज चला बाइक, ये ले चाबी। अभी ये यहाँ भी तो ये फ़ायदा है कि ये करीब ही है मार्केट हमारे, इधर रिसेंट 19 की शॉपिंग गैलरी में दूध दही सब यहाँ से मिल जाता है। वैसे तो पैदल भी हम जा सकते हैं लेकिन गर्मी है तो इसलिए बाइक पे, रात में तो पैदल ही चलते हैं ज़्यादातर, रात में जो है वो इतना फील नहीं होता है, लेकिन धूप में पैदल चलना आपको पता थोड़ा मुश्किल है। आज मेरी ड्रेसिंग देखें, ड्रेसिंग जो है वो इसके कमीज़ के साथ जो है ना, फिर नीचे पैंट पहनी हुई मैं। चल भी ध्यान से चलाना यार, गिरा नहीं देना हैं, ये इससे डर ही लगता मेरे पीछे बैठ के। तो मुझे लाइम के पैम्पर जो है वो ख़त्म हो गए थे, पैम्पर लेने थे एक्सेल 5, ये हैं 60 पीसेस। आप खा लो, मैंने नहीं खानी, आप खा लो। आप खा लो, आप खा लो, खा लो। चलो थोड़ी 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 थोड़ी, चलो थोड़ी आप खा लो। फरूख भाई जी आ गए हमारे माशाल्लाह से पंजाब, छुट्टियां गुजार के आ गए हैं पंजाब से वापस। कैसी गुजरी? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। लॉकडाउन हो गया फिर हैं, लॉकडाउन हो गया फिर ताड़िया मौजियां लग गई। मजे। फरूख भाई ईद गुजारने गए हुए थे पंजाब और वापस आ रहे थे, फिर लॉकडाउन हो गया, बैरिया वालों ने कॉल करके बोल दिया आपकी ज़रूरत नहीं है, वहीं पर रहो। अभी लॉकडाउन होने की वजह से कितनी छुट्टियाँ मिली? 8 छुट्टियाँ। आठ छुट्टियां जो है ना वो और मिली थी, फिर तो मौजें लागी फरूख भाई की। अभी फरूख भाई जो है वो कितने दिन गुजार के आ रहे हैं पंजाब? 15-20 दिन तो लागे होंगे ना। बड़ी इससे पहले गए थे ना, 17 तारीख को गया ना ड्यूटी करके, आज है 9 तारीख। आज 9 तारीख है, मतलब के 21-22 दिन जो है ना वो पंजाब फैमिली में गुजार के आ रहे हैं। तो बैरिया को भी इनकी अशद ज़रूरत ही, अभी इसलिए जो है वापस आ गए। कल खुल रहे हैं ऑफिस? हाँ कल खुल रहे हैं। पक्का? चलो शुक्र है यार, बहरिया के ऑफिस भी खुल रहे हैं और काम शाम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी फरूख भाई को लेके मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, जो है जो एक दो बैंगलों के काम करवाए थे वो चेक करेंगे, फरूख भाई खुद विज़िट करेंगे अभी, तो चलते हैं वहाँ पे और काम शाम देखते हैं। क्या लगाना है बाहर? पाकिस्तान का झंडा लगाना है हमने बाहर। कितना बड़ा लगाना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब लगाना। तो सामने झंडा लगा हुआ है ना, सामने अपार्टमेंट की बालकनी में, उसको देख के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वो वहाँ पे है। कौन सा झंडा लाना है पाकिस्तान का? पाकिस्तान जिंदाबाद कहाँ पे? वो सामने कह रहे हैं, वहाँ पे सामने वाले वो जो टावर में रहते हैं ना, उन्होंने झंडा लगाया हुआ है अपनी बालकनी में, तो कह रहा है कि हमने भी लगाना है सामने, पाकिस्तान जिंदाबाद है। अभी ये भी है कि अभी परमिशन इस दफ़ा मिल गई है बैरिया की तरफ से हमें घरों पे जो है वो फ्लैग लगाने की ना, 14 अगस्त पे,
पहले बैरियर में परमिशन नहीं होती थी, बस वो किसी वजह से मॉडर्न सोसाइटी है ना, फिर क्या करें। तो अभी यह है कि अभी परमिशन मिल गई है घरों पे लगाने को, कुछ लोगों ने तो लगा भी लिए। अब हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो कल लगाएंगे, है ना लाइन, कल पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे। चाहिए ओके अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दे दो, मैं भी ले लूँ पापा। पहले तो करेला पापड़ होते थे वो बड़े टाइट होते थे, अब ये वाले हैं, ये भी नीचे नहीं गिरा। कहाँ से लेके आए? वहाँ से, अरे वहाँ से। कितने पैकेट लाए? कितने? पांच पैकेट लाए। क्या करना है गोदी में? इसको तो बस जो है ना वो गोदी चाहिए, गोदी 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 गोदी। कह रहा है गोदी में उठा के बाहर विंडो में खड़े हो, पूरा वहाँ का नज़ारा करना है। और सामने पाकिस्तान जिंदाबाद कहाँ है? कहाँ पे? सामने। कह रहा वहाँ पे वो झंडा सामने लगा हुआ है, वहाँ विंडो में कह रहा पाकिस्तान जिंदाबाद वहाँ पे। कहाँ पे? चलो सो जाओ। अच्छा गोदी में लेता हूँ तो सोच तो जाओ ना, आपके सोने का टाइम हुआ है। अच्छा सोना नहीं है? नहीं। क्यों? सोने गोदी। अच्छा गोदी में ले रहे हूँ, कह रहा गोदी में लो, बस गोदी चाहिए इसको। अभी जी रात के 10 बज रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, पहले मौसम बहुत अच्छा था। तो कल खैर एक और खुशखबरी है आपको सुना दूँ कि हमारा लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो रहा है, कल से बहरिया के सारे ऑफिसेज ओपन होंगे, हमारे जो है अपने ऑफिसेज भी ओपन होंगे। बहरिया के काम काफ़ी सारे पेंडिंग में पहले, और सुबह बहुत जल्दी उठना है, सबसे पहले वो काम करने, बहरिया वाले जो ऑफिसेज के सारे काम हमने जमा किए हुए हैं। बाकी जो है वो कल से प्रॉपरली जो है वो सारी चीज़ें ऑपरेशनल होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सुकून हो गया कि काम शाम हमारे जो है वो सारे हो जाएंगे। तो खैर आज का लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर खुशी से जो भी दिल करे। इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो कर लिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।